इनसे शुगर ठीक नीचे लगे बॉइलिंग टैंक में फीड की जाती है। बॉइलिंग टैंक में गर्म पानी भरा रहता है, जिससे इसमें डाली गई चीनी जल्द ही घुल जाती है और फिर इस घोल को अप्रोक्सीमेटली 115 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है। उसी दौरान जूस डोजिंग एरिया में ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस को एक बड़े टैंक में डालते हैं। और इसके बाद पंप के जरिए ही जूस को बॉइलिंग टैंक में डालते हैं, जहां ये हॉट बॉइलिंग शुगर सिरप के साथ मिलता है। यहां शुगर और जूस मिक्स को बॉइलिंग टैंक से निकाला जाता है और भेज देते हैं फिल्ट्रेशन के बाद होल्डिंग टैंक में, जो बॉइलिंग टैंक के एक फ्लोर नीचे है। होल्डिंग टैंक से मिक्स को एक माइक्रो फिल्टर के लेयर से पास कराते हैं, जिससे ये मिक्स फिल्टर तो होता ही है, साथ ही मिक्स का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यहां बन रहे शरबत का फ्लेवर आता है अर्क से, जो कि हर्ब्स की डिस्टिलेशन के बाद मिलता है। देखते हैं कि ये अर्क बनता कैसे है। इसके लिए खस, नीलोफर, गुलाब, पुदीना, नक्का जैसी और कई हर्ब्स को एक बड़े जालीदार बकेट में रखते हैं। इस फैक्ट्री में हर साल करीब 25,000 किलो हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस बकेट को गर्म पानी से भरे हर्ब डिस्टिलेशन टैंक में सेट करते हैं। बकेट लोड होने के बाद लिड बंद कर देते हैं और अंदर का पानी बॉइल होने देते हैं। इस प्रोसेस में हर्ब्स स्टीम के साथ में एसेंशियल ऑयल्स और फ्लेवर्स छोड़ती हैं और इस स्टीम को कंडेंसेशन प्रोसेस से ठंडा करके लिक्विड में बदलते हैं, जिसे अर्क कहते हैं। ये टेक्निक सदियों पुरानी है, जिसे आज भी ये फैक्ट्री नई टेक्नोलॉजी से अर्क बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर अर्क को एक टैंक में भेज देते हैं। यहां बन रहे शरबत का रंग होता है सुर्ख लाल और ये रंग इस शरबत को मिलता है परमिटेड फूड कलर्स से। कलर्स को डोजिंग टैंक में ऐड करते हैं। शुगर सिरप और जूस मिक्स को मिक्सिंग टैंक में ट्रांसफर करने के बाद बारी है रेड कलर और अर्क को मिक्सिंग टैंक में डालने की। यहां इन्हें एक साथ मिलाया जाता है। लीजिए, मिल गया मन चाहा सुर्ख लाल रंग और साथ ही हमारा शरबत भी तैयार है। और सबसे इंटरेस्टिंग और हेल्दी बात यह है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता। अब इस फाइनल मिक्स के सैंपल को एक आधुनिक क्वालिटी चेक लैब में टेस्टिंग के बाद शरबत को बॉटलिंग के लिए भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर उच्च क्वालिटी की पेट बॉटल्स फीड की जाती हैं, जिनको माइक्रो फिल्टर्ड एयर से वॉश किया जाता है, मतलब तेज प्रेशर वाली प्यूरिफाइड हवा से इनकी धुलाई होती है, जो कि बॉटल में कोई भी गंदगी नहीं छोड़ती। आगे बढ़ते हुए बॉटल्स पहुंचती हैं फिलिंग स्टेशन में, जहां एक ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन बॉटल में शरबत भर रही है। और यहां हर एक मिनट में 265 बॉटल्स भरी जाती हैं। आगे बढ़ते हुए ऑटोमेटिक मशीन से ही कैप्स भी लगाई जाती हैं और लेबलिंग होती है।